तो आज के हमारे इस क्लास में हम बात कर रहे हैं आपके साथ एडवांस एक्सेल के अंदर क्लिप बोर्ड मतलब कि कॉपी पेस्ट के बारे में हम आपके साथ आज जिक्र करेंगे आपके साथ कि किस तरह से डेटा को हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं और पेस्ट स्पेशल। तो आपके सामने एक सैंपल डेटा है, मैंने क्या किया इस डेटा को कॉपी किया और किसी अनदर लोकेशन में मैंने उसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब क्या हुआ कि पेस्ट होने का तो हो गया लेकिन जैसा था सेम उसी तरह से हुआ। मैं चाहता हूं कि इसको जो है डिफरेंट तरीके से पेस्ट हो, मतलब कि मैं इसमें का सब कुछ पेस्ट नहीं करना चाहता हूं, मैं इसका कुछ पर्टिकुलर पार्ट को पेस्ट करना चाहता हूं। ओके, तो हमारे पास होता है पेस्ट स्पेशल, यहां देखेंगे पेस्ट स्पेशल। तो पेस्ट स्पेशल में चॉइस होता है कि हम इसमें क्या क्या पार्ट पेस्ट करें। जैसे कि मैंने सिलेक्ट कर लिया फॉर्मूला, तो इसका सिर्फ फॉर्मूला फॉर्मूला पेस्ट होगा, डेटा पेस्ट नहीं होगा। राइट क्लिक किया, पेस्ट स्पेशल, हमने सिलेक्ट किया फॉर्मूला, तो इसका फॉर्मूला पेस्ट होगा, बाकी जो फॉर्मेटिंग है वो चीजें पेस्ट नहीं होगी। अब कुछ बोलते हैं कि फॉर्मूला, तो फिर मोहन में फॉर्मूला थोड़ी था। फॉर्मूला का मतलब है जो फॉर्मूला बार में विजुअल है, ये जो फॉर्मूला बार दिख रहा है इसमें जो विजुअल है उसको पेस्ट करेगा, बाकी फॉर्मेटिंग कमेंट्स लाइनिंग वगैरह को पेस्ट नहीं करेगा। इसी तरीके से राइट क्लिक करके अगर हम पेस्ट स्पेशल में जाते हैं तो पेस्ट स्पेशल में अगला आता है वैल्यू, मतलब कि ये फॉर्मूले को रिमूव कर देगा, हर चीज को रिमूव कर देगा, जो कंटेन सामने दिख रहा है सिर्फ उसको पेस्ट करता है। ओके, जी हो गए लेकिन इसमें क्या होता है कि हमें एक पर्टिकुलर फॉर्मूले को रिमूव करना है। जैसे फॉर्मूला आपको दिख रहा है बार बार क्लिक करते हैं तो ये इस तरह का चेंज हो रहा है, मैं चाहता कि फॉर्मूला रिमूव हो जाए इसकी वैल्यू से। तो आप कॉपी कर इसी के ऊपर पेस्ट एज ए वैल्यू पे क्लिक कर दीजिए, ये आपको यहां पे देखिए पेस्ट हो गया। बिल्कुल। ये हमारा फॉर्मूला। अब इसका यूज जो है ऑफिस में रिपोर्ट्स वगैरह में बहुत होता है कि अगर आपको एक पर्टिकुलर डेटा है उसमें से अगर कोई रिपोर्ट आपको भेजनी है फॉर्मूले वगैरह हटा के भेजने हैं तो उस केस में हम इसका यूज अच्छा खासा करते हैं, ठीक है। लेकिन सुधीर जी, अगर मान लो मुझे एक शीट से दूसरे शीट पे फॉर्मूला भी लेके जाना है और वैल्यू भी लेके जाना है। देखिए फॉर्मूला जब जाएगा तो वैल्यू नहीं जाएगा, वैल्यू जाएगा तो फॉर्मूला नहीं जाएगा। हाँ, ये आप कर सकते हैं कि मुझे वैल्यू भी ले जाना है उसकी फॉर्मेटिंग या फॉर्मूला भी ले जाना है उसकी फॉर्मेटिंग भी ले जाना है, तो पॉसिबिलिटी है। जैसे दूसरे शीट पे मुझे अगर आपने कॉपीराइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल में अगर आपने फॉर्मूला कर दिया तो इसकी फॉर्मूला आ गई ना, आप इसके वापस इसके ऊपर वैल्यू करते हैं, इसके ऊपर वापस आप पेस्ट स्पेशल में वापस अगर आप वैल्यू करते हैं तो फॉर्मूला तो आपका इसकी वैल्यू आएगा ना। सुजीत जी, क्या होता है ना, हम जैसे ना कंपोनेंट की कॉस्टिंग निकालते हैं तो उस कॉस्टिंग का ब्रेकअप होता है, हाँ जैसे कि कितना है, पैरामीटर गुणा हुआ होता है उसके हाँ साथ, क्या करता है कि वही सेम कॉस्टिंग टेबल हमें दूसरी जगह पे अप्लाई करना है, कहते हैं कि वो सेम कॉपी हो जाए और ऊपर खाली रॉ मटेरियल प्राइस चेंज हो और बाकी सब वैसे का वैसा आ जाए। वो तो आपको फॉर्मूला से जहां जहां फॉर्मूला लगा है ना उस फॉर्मूला पार्ट वो करके पूरा डेटा कॉपी नहीं करना वो डेटा कॉपी नहीं होगा। जी, ठीक है। अब इसमें अगला ऑप्शन आता है कि आपको फॉर्मेटिंग पेस्ट करनी है, आपको जो है सिर्फ इसकी फॉर्मेटिंग पेस्ट करनी हो तो राइट क्लिक करेंगे पेस्ट स्पेशल और पेस्ट स्पेशल में आप सिलेक्ट करेंगे फॉर्मेट, तो
सिर्फ इसकी फॉर्मेट पेस्ट होगा, डेटा फॉर्मूले वगैरह पेस्ट नहीं होगा। फिर बात करते हैं कमेंट्स। कमेंट्स क्या होता है, किसी भी सेल पे कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन डालना चाहते हैं तो उस पर राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे इंसर्ट कमेंट आएगा, न्यू कमेंट पे क्लिक कीजिए, यहाँ दिख रहा होगा। अब इस न्यू कमेंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ लिखेंगे कि दिस इज फाइनल मार्क्स और यहां से क्लिक कर, हो गया। अब मुझे कहीं पे इसको लेके जाना है गौरव जी, लेकिन मैं इसका सिर्फ मार्क ले जाना चाहता हूँ, कमेंट्स ले जाना चाहता हूँ, बाकी चीजें नहीं। तो पेस्ट स्पेशल में कमेंट्स एंड नोट्स का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करके ओके करें। अब इस पे मेरा कर्सर जाएगा तभी दिखेगा, नहीं जाएगा तो नहीं दिखेगा, गया तो दिखा, नहीं। अब बाकी फॉर्मूले वगैरह इसकी कॉपी नहीं। फिर इसमें एक चीज और आती है, मुझे सब पेस्ट स्पेशल में मुझे सब सर म्यूट कर लीजिए, मुझे आवाज इको के आ रही है सर। अब गौरव जी मैं क्या किया कि मैं यहाँ पे ऑल एस्पेक्ट बॉर्डर दिख रहा होगा, इस पे क्लिक कर दिया तो सब कुछ आएगा, लेकिन जो लाइनिंग है वो लाइनिंग आपका पेज नहीं होगा। अच्छा, मैं पेज सेम सीट पे कर रहा हूँ ताकि आपको फर्क दिख जाए, अदरवाइज आप जो है इसको अनदर शीट अनदर फाइल कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि हम लोग अपने रिपोर्ट्स को ऑटो फिट कर देते हैं या फिर कॉलम को छोटा बड़ा अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन जब इसको कॉपी पेस्ट करते हैं किसी अनदर शीट पे तो आपका कॉलम का विड्थ पेस्ट नहीं होता है, वो सिर्फ कॉलम की साइज डेटा को पेस्ट करता है, कॉलम का विड्थ पेस्ट नहीं करता है। तो कॉलम को विड्थ पेस्ट करने के लिए इस पे एक बार और पेस्ट स्पेशल में कॉलम विड्थ सेलेक्ट करके ओके कर दीजिए, तो देखिए कॉलम की विड्थ पेस्ट हुई, बाकी चीजें पेस्ट नहीं हुई, सिर्फ कॉलम की विड्थ को इसने पेस्ट किया, ठीक है। लेकिन इसको दो बार करना, ध्यान रखिएगा कि जब आप पेस्ट स्पेशल अप्लाई करते हैं कॉलम विड्थ आपने सिलेक्ट कर लिया सिर्फ विड्थ पेस्ट होगा, डेटा नहीं, डेटा के लिए वापस नॉर्मल पेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, लेटेस्ट एक्सेल आपके पास है तो पेस्ट करते समय आइकन्स होते हैं, अब इस आइकन में आइकन्स होते हैं, इस आइकन में आपको ये दिखेगा सोर्स कॉलम विड्थ, क्या दिखा, सोर्स कॉलम विड्थ, तो ये कॉलम की विड्थ को पेस्ट कर देगा और डेटा भी दोनों इकट्ठा कर देता है। अब एक चीज और आती है, जब आपके डेटा में होता है डेट, यानी जाहिर सी बात है डेटा में डेट तो होगा ही होगा, लेकिन जब आप अपने डेट को पेस्ट एज ए वैल्यू या फॉर्मूला करते हैं तब क्या होता है, डेट एक तरह के नंबर में कन्वर्ट हो जाता है, किसमें कन्वर्ट हो जाता है, नंबर। अब जानिए कि नंबर आखिर क्या, अब कुछ लोग बोलते हैं सर एक कोड है, लेकिन एक कोड नहीं है, ये कोड नहीं है, ये क्या है, ये नंबर ऑफ डेज है। जब से हमारा कंप्यूटर कैलेंडर स्टार्ट हुआ है और अभी तक के टोटल नंबर ऑफ डेज है। अब इसको साबित कैसे करेंगे, तो साबित करने के लिए मैं यहां पे 1/1 डाला सिर्फ और एंट्री कर दिया, इसके ऊपर गया और मैंने डेट का फॉर्मेट अप्लाई कर दिया, ठीक है। हमने क्या किया, डेट का फॉर्मेट अप्लाई कर, ठीक है, ठीक है। अब देखिए क्या है, फर्स्ट 1900 आ रहा है, हेलो जी। तो ये जो हमारा कंप्यूटर कैलेंडर है कब बना है, 1st जनवरी 1900, हमारा कंप्यूटर कैलेंडर बना है
1 जनवरी 1900 को, इसलिए यहाँ पे दिखा रहा है। अब इसे मैं यहाँ पे 32 डालता हूं तो देखिए आपका मंथ चेंज हो गया, 2 आ गया मतलब कि फरवरी आ गया। इसी तरह से मैं 3, 6, 7 डाला तो ईयर चेंज हो गया। ऐसे मैं डालूंगा 44,562 तो ये 1 जनवरी 2022 आपको दिखा रहा है। इससे साबित होता है कि ये क्या है, नंबर ऑफ डेज है जब से हमारा कंप्यूटर कैलेंडर शुरू हुआ है तब से अभी तक का। ठीक है, जी अब क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्यों किया गया, प्रोग्रामर ने ऐसा किया क्यों? तो प्रोग्रामर ने इसके पीछे करने के पीछे रीजन था कैलकुलेशन। क्या होता है कि एक्सेल के अंदर में आप जो है टेक्स्ट के अंदर नंबर के साथ जब भी कोई टेक्स्ट लिखते हैं तो उसके ऊपर हम किसी भी तरह का कैलकुलेशन नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक है। ठीक है, जी तो एक डेट में कैसे होता है, अगर डेट को हमने लिख दिया उसमें टेक्स्ट हो गया और उस पे हम किसी भी तरह का कैलकुलेशन आसानी से करते हैं, जैसे हम यहाँ पे 20 कर दिया, दिख रहा है सर? तो 1 जनवरी 2022 और यहाँ पे प्लस किया तो आगे की 2022, मतलब कि इसमें इसने 1 जनवरी में कैलकुलेट नहीं किया है, इसको अगर जनरल फॉर्मेट करेंगे तो इसने कैलकुलेट किया है 4,452 में, और जो रिजल्ट आया है वो रिजल्ट आया है 4,845। लेकिन जब इसके ऊपर हम डेट का फॉर्मेट अप्लाई करते हैं तो 28-30 दिन के बाद अपना मंथ चेंज कर लेता है और 365 दिन के बाद ईयर को चेंज कर लेता है और फिर आपका इस तरह का डेट शो करता है। तो डेट का फंडा समझ में आ गया? जी बिल्कुल जब हम कॉपी करके पेस्ट स्पेशल में जाते हैं और यहाँ पे हमारा जब वैल्यू सेलेक्ट होता है तो वैल्यू को बोला गया है रिमूव ऑल फॉर्मेट्स, और डेट भी एक तरह का फॉर्मेट है इसलिए उसको रिमूव कर देता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं ये करता हूं फॉर्मेट एज ए नंबर वैल्यू एज ए नंबर फॉर्मेट, मतलब कि वैल्यू के जगह पे अगर आप वैल्यू एज ए नंबर फॉर्मेट लेते हैं, फॉर्मूले के जगह पे आप फॉर्मूला एज ए नंबर फॉर्मेट लेते हैं तो सब कुछ आएगा बट नंबर की फॉर्मेटिंग नहीं आएगा। ठीक है, जी तो जो पेस्ट स्पेशल में अगर आप वैल्यू जो नंबर फॉर्मेट लेंगे ना यहाँ पे तो ये सिर्फ डेट की नहीं पूरी की पूरी नंबर फॉर्मेटिंग जो होता है उसको कंटेन करेगा, ये पूरा इसमें नंबर है, करेंसी है, अकाउंटिंग है, डेट है, टाइम है, जो भी कैलकुलेशन है ये सब करेंगे। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट इसमें? नहीं, कोई डाउट नहीं है। अब हम बात करते हैं ऑपरेशंस की।
जैसे कि 20 है, 30 है, 20 को कॉपी किया, 30 के ऊपर पेस्ट किया, 30 रिप्लेस हो गया 20 से। लेकिन इसी में पेस्ट स्पेशल में हमारे पास ऑपरेशंस होते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, अगर मैंने ऐड किया तो ये ऐड होके रिजल्ट 50 दे देगा। फिर पेस्ट स्पेशल में अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 50 मल्टीप्लाई बाय 20 रिजल्ट 1000 हो जाएगा। मतलब कि ऑपरेशंस के अंदर में अगर आप कुछ भी सिलेक्ट करते हो कि भाई ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड, मल्टीप्लाई, तो वो आपका क्या होगा, जहां से कॉपी हुआ है और जहां पे पेस्ट हुआ है उन दिनों के बीच में कैलकुलेशन हो जाएगा। और याद होगा डेमो क्लास में इसका एग्जांपल बताया था, हाँ बताया था, तो सेम तरह से इसका यूज कर सकते हैं। अब इसमें हमारे पास जो आता है वो आता है ऑपरेशंस। चलिए ऑपरेशंस के बारे में जानते हैं। जैसे हम यहाँ पे सेल्स में आते हैं और कुछ नंबर दे देते हैं। अब मैंने इस कुछ नंबर्स जो हमने अभी टाइप किए हैं, इन नंबर को मैं क्यूसी टीम को भेजा क्रॉस चेक करने के। क्यूसी टीम ने इसको क्रॉस चेक करके मुझे इसका रिजल्ट दे दिया, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने जो रिजल्ट दिया है मुझे, उन्हें सामने लिख दिया, मुझे अपडेट करना है। मतलब जो ब्लैंक है वो सही है, सिर्फ जिसके सामने टाइप किया उसी को अपडेट करना है, कुछ इस तरह से वन बाय वन, समझे सर? तो ऐसे तो काफी टाइम लगेगा। तो यहां पे हम लोग क्या करते हैं, इसको कॉपी करते हैं इसी के ऊपर पेस्ट स्पेशल, और यहीं पे हम क्या करेंगे, स्किप ब्लैंक। हम ब्लैंक स्किप को क्लिक करके जैसे ही ओके करेंगे, आप देखिए आपका ब्लैंक स्किप हो गया और जो डेटा था सिर्फ उसी डेटा को उसने पेस्ट किया, बाकी चीजों को पेस्ट नहीं किया। समझ गया सर? तो ये हमारी पेस्ट स्पेशल की क्लासेस थी।